हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगी विंटर्स में आपने किस तरह से अपना मेकअप करना है जिससे कि आपका मेकअप जो है ना फ्रेश रहे, हाइड्रेटेड रहे और बिल्कुल भी ड्राई ना लगे। तो बेसिक जो स्टेप्स हैं स्किन केयर के, पहले तो वो कर लेंगे। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की है मॉइस्चराइजर से। यहाँ पे मैंने निविया का मॉइस्चराइजर लिया अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे शुगर का इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। नाउ इससे क्या होगा, मेरा फेस जो है ना काफ़ी अच्छे से शाइन करेगा, ग्लोई हो जाएगा एंड बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगा। आप कोई भी यहाँ पे इल्यूमिनेटिंग क्रीम यूज़ कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद अच्छे से पूरे फेस पर हमने अच्छे से ब्लेंड करना है। नाउ ब्लेंड करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा प्राइमर का। सो प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर एंड टी जोन एरिया पर बहुत ही कम अमाउंट में हम लेंगे क्योंकि विंटर्स में वैसे भी ऑयल बैलेंस्ड रहता है। तो बस हमने इतना लेना है कि हमारी जो पोर्स हैं वो फिल हो जाए एंड उनमें हमारा मेकअप ना जा पाए। तो अच्छे से टी जोन एरिया को हम प्राइम कर लेंगे। देन इसके बाद मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ पे बायोटिक का लिप बाम यूज़ किया। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। सो यहाँ पे मैंने शुगर का स्टिक फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। विंटर्स में आप हो सके तो स्टिक फाउंडेशंस को ही यूज़ करना क्योंकि जो स्टिक फाउंडेशंस होते हैं वो मॉइस्चराइज्ड फाउंडेशन होते हैं। ये आपके स्किन को, आपके फेस को ड्राई बिल्कुल भी नहीं फील करवाएंगे, आपके स्किन को, फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज ही रखेंगे। तो यहाँ पर स्टिक फाउंडेशन ही आप विंटर्स में यूज़ करें हो सके तो। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना है, डैप डैप मोशन में ब्लेंड करना है और आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो वेट होना चाहिए, तभी आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड होगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। नाउ विंटर्स में हो सके तो आप कंसीलर को अवॉइड करना क्योंकि कंसीलर जहाँ जहाँ आप लगाओगे वहाँ पर आपका जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई फील करेगा। तो अगर आपके बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स वगैरह हैं तो ही आप कंसीलर को यूज़ करें और वो भी बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत लेस अमाउंट आप रखना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में कंसीलर अप्लाई किया है। कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हर जगह पे। सो कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा कंसीलर को पैक करना। सो कंसीलर को पैक करने के लिए यहाँ पे मैं फिटमे का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। सीरियसली बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है ये। नाउ वहीं मैंने अप्लाई किया है जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था। नेक्स्ट मैंने शुगर का ब्लश स्टिक यूज़ किया है। नाउ विंटर्स में आप जितने ज़्यादा लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करोगे ना उतना ही आपका जो मेकअप है वो फ्रेश रहेगा और हाइड्रेटेड रहेगा। सो मैंने यहाँ पे ब्लश स्टिक, लिक्विड ब्लश यूज़ किया है एंड अपने थोड़ा सा चिन पे लगाऊंगी, थोड़ा सा नोज़ पे लगाऊंगी, थोड़ा सा चीक बोन्स पे लगाऊंगी ब्लश जहाँ जहाँ हम ब्लश अप्लाई करते हैं। और मैंने फिंगर से ही इसको क्या करा है, ब्लेंड किया है ना। इसको भी पैक करने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, पाउडर ब्लश की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने पाउडर ब्लश लिया है ब्रश पे एंड मैं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ मैंने ब्लश लगाया था। नाउ ये जो मैं पाउडर ब्लश एंड कॉन्ट्रो यूज़ कर रही हूँ ये मैं शुगर का जो मेरा पैलेट है ना हाथ में पकड़ा हुआ इसी से मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो नाउ अब मैं अपने फेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे दूँगी। तो हम क्या कर लेंगे, कॉन्ट्रोल कर लेंगे अपने चीक बोन पे एंड अपने जॉ लाइन्स को कॉन्ट्रोल कर लेंगे, अपने नोज को कॉन्ट्रोल कर लेंगे, है ना, जहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है कॉन्ट्रोल की बेसिकली। सो कॉन्ट्रोल करने के बाद अब बारी है हमारी आईब्रोज़ को फिल करने की। सो आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पेंसिल यूज़ किया है। सॉरी मैं दिखाना भूल गई। नाउ नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा हमारा अब आई लुक। सो आई लुक के लिए मैं यहाँ पे NK मोचा मिक्स का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड यहाँ से इस पैलेट से मैंने बहुत ही लाइट ब्राउन शेड लिया है एंड उसको मैं अपने आउटर क्रीज पर अच्छे से धीरे धीरे करके ब्लेंड करूँगी एंड पूरे आउटर क्रीज पर लाइट ब्राउन शेड फॉर ट्रांजिशन के लिए। एंड इसके बाद मैं धीरे धीरे क्या करूँगी, जो डार्क ब्राउन, जो सबसे ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड था मेरे पैलेट में उसको मैंने लिया एंड धीरे धीरे से इसको भी आउटर क्रीज पर मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज़ के एंड धीरे धीरे इसको आउटर क्रीज से क्या कर रही हूँ, इनर क्रीज की तरफ लेके जा रही हूँ ताकि मेरे को एक अच्छा सा ट्रांजिशन मिल जाए। एंड धीरे धीरे हम थोड़ा सा और बिल्ड करेंगे अपना
डार्क ब्राउन कलर। एंड इसके बाद शिमरी आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पे हाईलाइटर का ही यूज़ किया है। शुगर के इसी पैलेट से मैंने क्या करा, हाईलाइटर लिया ताकि जो है हमारा मेकअप आई लुक काफ़ी सिंपल रहे और इजी रहे। थोड़ा सा सिंपल सा लुक ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके बाद अब मैंने यहाँ पे लैक्मे का मस्कारा यूज़ किया है। मस्कारा को अप्लाई करने से पहले आईलैशेस को कर्ल कर लेंगे क्योंकि हम बिल्कुल भी फेक आईलैशेस नहीं लगाने वाले हैं। तो आईलैशेस कर्ल करने के बाद मैंने अच्छे से कोट करके अपना मस्कारा अप्लाई कर लिया। देन मैंने जो नेक्स्ट आया है वो ऑफ कैमरा कर ली। इसके बाद मैंने अपना हाइलाइटर लगाया है अपने चीक्स पे, अपने नोज़ पे एंड थोड़ा सा फोरहेड पे, वही शुगर के पैलेट से जो सेम मैंने आई मेकअप के लिए यूज़ किया है सेम हाइलाइटर मैं अपने फेस के लिए यूज़ करूँगी। नाउ हाइलाइटर कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी की ये लिपस्टिक यूज़ की है जिसका जो शेड है ना वाओ अमेजिंग है। सारे जो प्रोडक्ट्स लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा विद शेड्स, सो चेकआउट कर लेना। नाउ ये रहा मेरा फाइनल लुक। होप आपको ये लुक पसंद आया हो एंड अगर आपको ये लुक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लेना ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।